डिक्शनरी के पीछे अगर पीछे गए तो मान के चले आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। कोई डिक्शनरी से इंग्लिश बोल रहा हो ना, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज बोल रहा हो, आप श्योर हो जाएंगे कि वो जो है एक याद किया हुआ है, उसे रियलिटी नहीं आती है, रियल इंग्लिश नहीं आती है। आप टॉप लेवल के एग्जाम्स दोगे, आप ब्रिटिश काउंसिल में जाकर टेस्ट दोगे, इंटरव्यू दोगे और वहां पे डिफिकल्ट हुआ तो एक मिस्टेक्स मैं बताता हूँ कई गलत स्पेलिंग मिस्टेक्स, फ्लंसी मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स और उसमें एक होता है डिफिकल्टी मिस्टेक। एक ऐसा मिस्टेक आपको बताते हैं, मेरे एक आर्टिकल में मैंने लिख दिया था रिव्यू मिस्टेक। रिव्यू मिस्टेक में मैंने लिखा दोबारा पढ़ा ले, उन्हें पता था कि अगर ये लड़का पढ़ लेता दोबारा तो पक्का था कि ये गलती ना करता, तो एक हो गया रिव्यू मिस्टेक। ऐसे है एक आउट ऑफ सिलेबस मिस्टेक। आप नहीं जानते हैं कि मेटाफिजिकल मीन्स क्या होता है, आपके औकात से लिमिट से बाहर है और आप आगे स्पिरिचुअल की जगह पे मेटाफिजिकल डाल दे रहे हैं। अब आप औकात में कि ही वेरी मेटाफिजिकल या ही वाज वेरी मेटाफिजिकल लीडर ऑफ इंडिया नो, तब आप ना वो पकड़ लेगा तुरंत, आप जिससे बोल रहे हो वो तुरंत एक बहुत बड़े जैसे एग्जामिनर होंगे, तुरंत उसको गोला बनाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट कर देंगे और कहेंगे लिमिटेशन मिस्टेक या ओवर मिस्टेक, मतलब ओवर जा रहे हैं आप अपने और अपने लिमिट से, आपकी ये लिमिट नहीं है। तो डिक्शनरी के पीछे ना भागिए, एकदम निश्चिंत हो जाइए, अब अंग्रेजी आप आसानी से सीखेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी कहानी है। When I used to teach another school, means that was inter college, I got a chance to teach students of intermediate. इस इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को मैं अगर यंग टू आर थ्री ईयर, तो मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को मैं पढ़ाने का मौका मिला, पहुंचा वहां पे पढ़ाने के लिए। तो जैसे आपने हिस्ट्री मूवी में सारी कंडीशन क्लियर कर लिया होगा, ये होता है हमारे यहाँ का ऑब्जर्वेशन, बच्चे जो है वो सोचते हैं कि ये अब कुछ नहीं जानते। टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सबसे पहले आनी चाहिए, जो आपके पास में पढ़ाने आ गया डेफिनेटली आप बिल्कुल तैयारी से आया है। आपको अगर कभी ओपनिंग उतार दिया जाए बैटिंग करने के लिए, अचानक आप ओपनिंग नहीं गए, किसी टीम में खिलाया गया, गांव में कहा भैया आज आपको ओपनिंग करनी है, तो अब आप क्या ओपनिंग जाने में एक बार सोचोगे नहीं, बैट कैसे पकड़ूं, ना मैं स्ट्राइक पर खड़ा रहूं कि स्ट्राइक पर खड़ा रहूं, और पहली गेंद हमें पहली गेंद उठाकर दबाऊं पहली गेंद से ना, तो आपने सोच लिया, तो आप इतने बुद्धिमान है, तो सोचो सोचो आपसे बड़ा है उसने बताया कि तैयारी क्या था, कि हम क्लास में जा रहे हैं, लड़के ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा बात कर सकते हैं, वैसा बात कर सकते हैं, इसके लिए ये जवाब, इसके लिए ये जवाब, वो भी तो तैयारी करके आता, तो क्यों बेवकूफ बनना, हम युवाओं को बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। क्लास में जो इंटर या उसके नीचे के जो बच्चे हैं जो नेगेटिव मेंटालिटी के साथ क्लास में बैठते हैं, वो इस बात को बड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप बेवकूफ ना बन जाइएगा, नहीं तो बड़ा अव्यवस्था हो जाएगी आपके दिमाग में। मैं भी उस स्कूल में पहुंचा, बच्चे ने पूछा सर मैंने यही क्लास पढ़ा, बच्चे ने पूछा सर खोड़ा की अंग्रेजी का होती है डिस्क्राइब करी, उसने कहा खोड़ा है, उसने कहा कि रामू के दांत खड़े हैं। मैंने कहा तेरे इस गाय पेट में टी था रामू, रामू के दांत के बीच में गया था, बात खत्म भैया, आप खोड़ा से जाना हो उससे जाना। मैंने अपने शब्दों में ऑब्जर्वेशन किया तो यही निकल गया कि गाय पर है, बात खत्म। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने खुद के फ्रेंच में सेंटेंस में जब डिस्क्राइब करेंगे तो एक गजब की कॉन्फिडेंस भी आएगी, फ्लुएंसी भी आएगी। फ्लुएंसी पर मैं अगला वीडियो अभी बना रहा हूँ, आपको वो भी अपलोड होगा कि हाउ यू कैन बी फ्लुएंट, अंग्रेजी में फ्लुएंट कैसे हो। तो ये आज का वीडियो इतना ही था, बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए, बहुत बढ़िया सलाह, आप भी टेंशन मुक्त हो गए, बड़ा मजेदार कहानी मैंने आपको बताया कि अब आप डिक्शनरी को अवॉइड कर दीजिए, जस्ट अवॉइड डिक्शनरी एंड लर्न इंग्लिश बेहतर। बिल्कुल कोशिश ना करें कि डिक्शनरी के वर्ड को डाल दें, जब आप याद भी कर लिए 100 200 300 400 वर्ड आप उठा के अंग्रेजी में बोलने लगे तो कोई समझ नहीं पाएगा जब बोलो अंग्रेजी। दो तरह के इंग्लिश स्पीकर होते हैं, एक होते हैं तो लोग बड़ी अंग्रेजी बता रहे हैं कुछ नहीं समझ, एक जब बोलेगा तो लोगों को ये लगेगा कि हाँ ये तो मुझे समझ में आ रहा है। मैं जब जब इंग्लिश बोलता हूँ जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है वो कहता है, वो ध्यान से सुनने लगता है कि आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। हमारे पास कई टीचर्स ऐसे थे जो केरला से आए, मिजोरम से आए, यहाँ से वहां आए, यहाँ से आए, लेकिन जब वो बोलते कभी माइक पर कभी फंक्शन में तो स्टूडेंट्स उनको इग्नोर करते क्योंकि उन्हें दिमाग में ही ना था, पल्ले ना पड़ता, ऊपर से उड़ जाता। और जब मैं बोलता तो उन्हें लगता कि यार मुझे लग रहा है कि मुझे अंग्रेजी समझ में आ रही है। तो अगर आपको ये फीलिंग लाना है, मैदान में टिके रहना है, तो आपको इन चीजों के बारे में अभी नहीं सोचना है, सोचना तब है जब आप एडवांस लेवल हो जाए हमारे जैसे, या आप थोड़े और एक्सपीरियंस हो जाए। तो मजाक मजाक में डिक्शनरी याद करिए, मजाक मजाक में डिक्शनरी कैसे याद करें, जैसे मैंने अब की पूरे साल 2018 में 5 से 6 वर्ड याद किया। कॉन्फ्लिक्ट मुझे बहुत दिमाग में आ रहा था,
छोटा सा शब्द है, मैं उसे डिस्क्राइब कर सकता था कॉन्फ्लिक्ट को, इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकता था, लेकिन मैंने याद कर लिया उस चीज को, अनबन या थोड़ा बहुत मतभेद, इसको कौन नहीं डिस्क्राइब कर पाएगा। A thing that is happened between two person are to not agree a point that is not agreed, two person are not agreed on that, तो कुछ इसी तरह से डिस्क्राइब हो जाएगा। तो मैंने कॉन्फ्लिक्ट, मैंने मेटाफिजिकल सिनेरियो बड़ा दिमाग में याद किया, मात्र 5 से 6 शब्द मैंने याद किया, पूरे साल की मेरी उपलब्धि है। डिक्शनरी में पढ़ली 5 और 6 वर्ड मैंने याद किया और मैंने अपना खुद की डिक्शनरी बना के रख दिया। एक मैं बुक भी लिख रहा हूँ अगले साल तक, अगर पब्लिश होगा, टाइम की थोड़ी समस्या है, तो आप देखेंगे खुद की उसमें क्या हुआ, मैंने अपने आइडियोलॉजीज लिखी है, आप भी लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन का तरीका। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब एडवांस लेवल हो, सौ के मारे क्या बहुत थोड़ा डिफिकल्ट इंग्लिश बोलने की इच्छा हो रही है, उठा लो डिक्शनरी, 2-4 शब्द अंडरलाइन कर लो, उसकी वर्ड बना डालो। ओके, दैट्स इट। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और आप इसे लाइक करिए। हाँ, अगर आपको एक चीज प्रूव करना है, अगर आप थोड़ा असमंजस में, नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे इसकी इंग्लिश नहीं है, पूछ के देख लो दुनिया की कोई भी हिंदी कोई भी चीज पूछ लो, मैंने डिस्क्राइब कर दूं उसमें, तो कहना, कहने का मतलब यह है आप, लेकिन एक बात हो, पूछने से पहले ना अभी आप भी हमारी जगह पे ले लीजिएगा, कुछ सोचिएगा कि क्या मैं इसको नहीं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, अपने आप को सोचिएगा, आप भी पहले इसे ही डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, ना कर पाना तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में मदद करूंगा, उसको डिस्क्राइब कर करके दूंगा कि इसकी मीनिंग आपको चाहिए, और तब आप इंग्लिश फ्लुएंट बनेंगे। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप थोड़ा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, फिर हम ऐसे ऐसे कॉन्टेंट लाते रहेंगे आपके लिए, बड़ा ही अच्छा कॉन्टेंट रहेगा।